बच्चों, आज इस चैनल पर राइटिंग बायोलॉजी जो चैनल है इस पर क्लास 10th की बायोलॉजी का वीडियो ये बना रहा हूँ। और यह वीडियो क्लास 10th के पहला चैप्टर बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेसेज है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें जो टॉपिक है, जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में, वो टॉपिक होगा लिविंग, इसके अलावा लाइफ प्रोसेसेज का डिफिनेशन, टाइप न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, उसके टाइप हो जाएगा, और स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम जानेंगे लिविंग क्या होता है। तो लिविंग देखते हैं, लिविंग को हम समझते हैं। यहाँ पर समझना है, देखिए आपको पता है ऑल लिविंग बॉडी कंपोज ऑफ सेल। तो कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसके बेस पर ये लिविंग को हम समझेंगे। जैसे आप देखते हैं कि एक जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा है, चाइल्ड बेबी, ये धीरे धीरे ग्रो करके, यानी कि धीरे धीरे इसकी साइज इंक्रीज होती है, और इंक्रीज हो करके क्या होता है, यंग हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यंग हो जाना, छोटा बच्चा साइज को इंक्रीज किया और यंग हो गया, इट मीन्स कि जो एक ये एक प्रॉपर्टी, एक करेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, और वो करेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रोथ। इसके अलावा दूसरा आप देखते हैं, एक जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग अपने एनवायरनमेंट में आप देखें तो क्या होगा, फ्रॉग आप देखते होंगे कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, हॉपिंग करता है, कूदता है। तो यहाँ पे जो जो हॉपिंग ऑफ द जंपिंग ऑफ द फ्रॉग है वो क्या होता है, एक टाइप की करेक्टरिस्टिक है लिविंग की, और उस करेक्टरिस्टिक को बोलते हैं क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट तो इसका मतलब ये है कि जो लिविंग होते हैं उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, यानी ग्रोथ शो करते हैं, उनकी साइज बढ़ती है। इसके अलावा और क्या करते हैं, उनमें मूवमेंट होता है। आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में ये भी देखते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स से बेबी एनिमल आता है, बेबी एनिमल क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर ये चीज, बेबी का आ जाना, ये जो प्रोसेस होता है, एक लिविंग की करेक्टरिस्टिक है, वो चीज उस करेक्टरिस्टिक को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसी तरह से ऐसे बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्या करते हैं, एक लिविंग थिंग शो करते हैं। जैसे होता क्या है कि अगर यहाँ पर बेबी हम ले, एक स्टोन अगर हम ले लें, उस स्टोन को 10 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो उसकी वो और ग्रो नहीं करेगा, उसकी साइज इंक्रीज नहीं होगी। अगर साइज इंक्रीज भी होगी तो उसमें क्या होंगे, अलग से एक्स्ट्रा पार्टिकल अगर डिपॉजिट हो रहे हैं बाहर से, अगर उसके सरफेस पर एक्स्ट्रा पार्टिकल डिपोजिट हो रहे हैं, तो उस कारण से इनमें इंटरनल ग्रोथ नहीं होगा। जो स्टोन है, इंटरनल ग्रोथ नहीं हो सकती है, वो क्या होगा, बाहर से अगर उसके पार्टिकल आए तो हो सकता है ग्रोथ, लेकिन वह ग्रोथ क्या है, एक्सटर्नल है। तो इनमें क्यों होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है, और जो लिविंग होते हैं उनमें इंटरनल ग्रोथ होता है, जबकि नॉन लिविंग में क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ नहीं होता है। जंपिंग ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग जंप करता है यानी कि मूवमेंट शो करता है, लेकिन अगर स्टोन को ही नॉन लिविंग थिंग्स अगर है ये, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने आप नहीं जा सकता है। तो इसको यहां पर क्या हो गया कि मूवमेंट, लिविंग जो है मूवमेंट शो करते हैं, नॉन लिविंग जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं शो करते हैं।
इसके अलावा अगर स्टोन हम ही ले रहे हैं तो वो न्यू न्यू जो है स्टोन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, केवल लिविंग थिंग्स ही न्यू स्टोन न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक हैं जिसके बेस पर हम नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं उनको। तो लिविंग क्या होते हैं, एक एक चीज आपको ये जानना है, जो लिविंग है उनकी बॉडी सेल्स से बनी होती है, जबकि नॉन लिविंग बॉडी जो होती है वो क्या होते हैं, एटम से बने होते हैं। यानी कि जो लिविंग की बॉडी है वो बहुत सारे सेल से बनी होती है, जबकि नॉन लिविंग बॉडी बहुत सारे जो बेसिक यूनिट हैं एटम से बने होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सेल देखें तो उसकी भी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल से बना होता है। उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन्हीं सबसे नॉन लिविंग थिंग से ही बनी होती है, और वो ये चीजें परफॉर्म करती हैं। तो अगर हम लिविंग को डिफाइन करें तो वास्तव में है क्या, लिविंग्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, लिविंग्स आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच आर विच आर कॉन्सिस्ट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड परफॉर्म सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सेट्रा। मतलब यहां पे आपको बताया गया जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग आर कंसिस्ट ऑफ सेल, ये सेल से बने होते हैं, एंड सेल इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, इन सभी चीजों से बना होता है। तो यहां पे लिविंग को डिफाइन करने के लिविंग और द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच आर कंसिस्ट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबसे ये बना होता है, एंड परफॉर्म सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सभी परफॉर्म करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, लिविंग्स बोलते हैं। तो ये हो गया। तो लाइफ प्रोसेसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक बेसिक फंक्शंस और प्रोसेसेज। ये प्रोसेसेज क्यों करेंगे, इन ऑर्डर टू
मतलब जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एंड कैचिंग ऑफ डेली एक्टिविटीज, तो दीज प्रोसेसेज आर कॉल्ड, लाइफ प्रोसेसेज, इन्हीं प्रोसेसेज को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेज बोलते हैं। तो अगर ये डेफिनेशन आता है लाइफ प्रोसेस का, तो ये आप लिख सकते हैं। और फिर इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हमें इस चैप्टर में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन इनको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन वास्तव में क्या है, बॉडी में फूड को इंटेक करना। हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हम लेते किसके थ्रू, हम न्यूट्रिशन के थ्रू लेते हैं। और रेस्पिरेशन क्या होता है, बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मटेरियल को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, पहुंचाना का काम करता है, पहुंचाने का। एक्सक्रीशन क्या होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में बने, यानी डिफरेंट जो एक्टिविटीज होते हैं, तो उसमें कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में, वेस्ट प्रोडक्ट, खराब वाले पदार्थ बनते हैं, तो उनको बॉडी से हटाना होता है, रिमूव करना होता है, वो प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन। तो अब हम डिटेल में एक-एक करके पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, वास्तव में अगर इसको सिंपली डिफाइन करें, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। और जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो किसके लिए, उनके बॉडी के ग्रोथ के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो अगर इसको सिंपली डिफाइन करना हो, तो होता क्या है, ये एक प्रोसेस है। क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या होता है, कॉल्ड न्यूट्रिशन। यहां पर थोड़ा समझाना है, न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट कॉल्ड न्यूट्रिशन। यहाँ पे जो फूड का मतलब यहाँ पर है, इससे मतलब है न्यूट्रिएंट्स, वास्तव में फूड में होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स होता है, क्या क्या होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फैट, ये सभी चीजें होती हैं। और ये चीजें ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए, एक तो हो गया
यहाँ पर अगर हम थोड़ा कैटेगराइज करें कि ये क्या क्या चीजें करती हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को चाहिए, क्यों चाहिए? बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। रिपेयरिंग के लिए और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है। दिस वन फैट, दिस आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म एंड दीज टू आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। प्रोटेक्टिव इन नेचर इट मीन्स दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। विटामिन की डिफिशियंसी से डिजीज हो जाता है, मिनरल की डिफिशियंसी जैसे विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस। मिनरल अगर हम एक एग्जांपल दें, आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर होता है। तो ये क्या है? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ये क्या होती हैं? ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, प्रोटीन एंड दीज टू दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट ये हो गया। वास्तव में न्यूट्रिएंट होते क्या है? न्यूट्रिएंट ये देखिए, ये ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, और ये इनऑर्गेनिक होता है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट हैं क्या होते हैं? आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी पूछ सकता है व्हाट इज न्यूट्रिएंट। तो क्या होते हैं न्यूट्रिएंट? तो न्यूट्रिएंट आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, विच आर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब अगर रिक्वायर्ड है किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन और फॉर रिलीज ऑफ द एनर्जी एंड फॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो ये न्यूट्रिएंट का डिफिनेशन हो जाएगा। इसमें एक टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, यूटिलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। फूड को इनटेक करना, बॉडी में पहुंचा देना, दैट इज इनटेक। और फिर उसको यूटिलाइज करना। कैसे यूटिलाइज होता है? जैसे यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा फिगर से, ये समझिए, ये माउथ कैविटी। फूड को क्या किया गया? बॉडी में पहुंचा दिया गया। ये प्रोसेस अंदर पहुंच गया, इनटेक हो गया, फिर ये पहुंचेगा डिफरेंट पार्ट्स में, जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस मिलेंगे और फूड को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे क्या हो कि बॉडी में यहाँ पे जो ब्लड होता है, ये ब्लड पूरी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में फैली रहती हैं, फूड को उस फॉर्म में हो कि जिससे ये पास होकर के ब्लड में चला जाए। ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड के माध्यम से जितने भी बॉडी सेल्स हैं उन सभी सेल्स को वो पहुंचा देता है। किसको? फूड को, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटा जो पार्टिकल होता है, फूड डाइजेस्ट हो जाने के बाद पहुंच जाएगा और वहां पर फिर वो यूज हो जाएगा किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन, या फिर वो बॉडी के ग्रोथ के लिए यूज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? दो तरह का, याद रखना है। फर्स्ट वन
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, टू टाइप, दो तरह के होते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको समझ लेंगे। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यहां पर थोड़ा सा समझना है, ऑटोट्रॉफिक दो वर्ड से बना है, एक होता है ऑटो और दूसरा ट्रॉफिक। यहाँ पर जो ऑटो मींस होता है, दिस वन मींस होता है सेल्फ, ऑटो मींस क्या होता है सेल्फ, एंड ट्रॉफिक मींस होता है न्यूट्रिशन, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ फूड को प्रिपेयर करें, अपने आप फूड को बना लें, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और यहाँ पर हेटरो मींस होता है अदर, ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन, मतलब कि अदर सोर्स से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करें, अदर सोर्स से उनको न्यूट्रिशन मिले, तब वो कहलाएगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस बेमे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये डिफरेंस बेमे पूछता है, तो ये क्या होते हैं इसमें, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक दियर ओन फूड, मतलब ऑर्गेनिज्म खुद जो है फूड को बना लेता है, प्रिपेयर कर लेता है, तो इसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर एज सनसाइज सिंथेसाइज दियर ओन फूड। इसमें जो है ऑर्गेनिज्म खुद जो है फूड को प्रिपेयर कर लेता है, बट इन दिस टाइप क्या होता है ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर दियर ओन फूड, ये खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना फूड ये खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इनके अगर एग्जांपल्स देखें तो ये हो जाएंगे क्या, ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है थोड़ा ध्यान देना है, ये जो ऑर्गेनिज्म जो इस तरह से सेल्फ फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, इट मींस ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे कैन सनसाइज देयर ओन फूड। और हियर द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सनसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। एग्जाम्पल यहां पर अगर समझें तो नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि जो नॉन ग्रीन प्लांट होंगे वो फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते और ना ही एनिमल्स फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंस और पूछता है तो दीज ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं वो क्या होते हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, बट
जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, दैट इज हेटरोट्रॉप्स जिनको बोलते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर न्यूट्रिशन। अब हम समझेंगे जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक एक कर इसको जानते चलेंगे। जो फर्स्ट है ये होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड वन कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको पता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, एंड द फिनोमिनन ऑफ न्यूट्रिशन इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहां पर ये दो तरह का होता है, दिस वन इज ऑफ टू टाइप, वन इज फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड अनदर इज कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो इन फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इज द सन। यहाँ पर जो फूड का प्रिपरेशन होगा, ऑर्गेनिज्म जो फूड को प्रिपेयर करेगा किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करते हैं, एंड द एग्जांपल ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स आर ऑल ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। व्हाइल कीमो ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल। केमिकल के प्रेजेंस में अगर फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप, तो उनको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। इट मीन्स दे प्रोड्यूस आर दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल, एंड द एग्जाम्पल विच परफॉर्म सच टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन आर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉप्स आर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकता है, वो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है। मीन्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पर या ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहता है, और ये भी कई तरह का होता है। इसमें हम लोग जानेंगे जो सबसे पहला है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट वन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑफ थ्री टाइप्स, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। अब इसको हम एक एक करके जान लेंगे, समझ लेंगे। तो यहाँ पर होलोजोइक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले होलोजोइक, देखिए वास्तव में होलोजोइक क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ये टाइप हैं। इसका मतलब है कि ऑल दीज टाइप, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म
टेक फूड फ्रॉम द अदर मीन्स इट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो होलोजी में क्या होता है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, इस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है फूड को इंटेक करता है और फिर उसे डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करके यूटिलाइज करता है। तो क्या होगा, इन दिस मीन्स दैट इज इन होलोजोई न्यूट्रिशन, होलोजोई न्यूट्रिशन फर्स्ट टाइप है, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड आर इनटेक फूड ऑब्टेन फूड बाय प्रोसेस ऑफ इनटेक प्रोसेस, यानी इनटेक का मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर पहुंचाना, उस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, ये फूड को लेता है एंड यूटिलाइज इट। तो वो होगा होलोजेनिक न्यूट्रिशन। और एग्जांपल अगर देखें जो होलोजेनिक न्यूट्रिशन जिनमें होता है क्या होगा, अमीबा, इसके अलावा ह्यूमन बींग और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बोलो जो मोड इनटेक प्रोसेस के थ्रू फूड को लेते हैं। सेकंड वन जो है आपका है सैप्रोफिटिक। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है इन सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डेराइव देयर फूड फ्रॉम dead and decaying substances or materials। इस dead और decaying material से food को लेता है। Example अगर हम देखें इसका तो हो जाएगा fungi, इसका क्या होगा, जैसे मशरूम हो गया, वो उसमें सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और जो लास्ट है वो है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म से ये अपना फूड लेता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एस्कैरिस, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मीन्स बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर हम प्लांट में लें तो ये अमरवेल। तो इस तरह से ये आपको क्लियर हुआ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक आलसो और ऑफ टू टाइप फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक, व्हाइल हेटरोट्रॉपिक और ऑफ थ्री टाइप्स होलोजेनिक न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें एक बच रहा है जो होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो उसमें फाइव स्टेप में कंप्लीट होता है। और वो फाइव स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो कौन से वो फाइव स्टेप्स हैं वो हम जानेंगे। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, या हम कह सकते हैं स्टेप्स ऑफ होलोजेनिक न्यूट्रिशन, तो देयर आर फाइव स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इंजेशन, सेकंड डाइजेशन,
नेक्स्ट वन एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट वन एसिमिलेशन, ये स्टेप याद रखना है एसिमिलेशन, एंड लास्ट वन इजेशन। ये फाइव स्टेप्स हैं। तो यहां पर एक एक स्टेप हम समझते चलें कि सबसे पहले है इंजेशन। देखिए यहां पर एक फिगर से हम समझेंगे, बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग का ये फिगर, ये फिगर है। यहां पे देखिए ये माउथ कैविटी के थ्रू, सबसे पहला जो प्रोसेस है इंजेशन, फूड को, जो फूड है उसको माउथ कैविटी में पहुंचा देना, मतलब द टेकिंग इन फूड, फूड को इनसाइड लेना, बॉडी के अंदर लेना, वो प्रोसेस क्या होती है इंजेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या इंजेशन। नेक्स्ट वन, अब हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं, डाइजेशन क्या होता है। जैसे ही हमारे माउथ कैविटी में पहुंचता है, हम क्या करते हैं अपने टीथ से, दांतों से उसको पीसते हैं। पीसने के बाद फिर ये आगे यहां पर जाकर रुकता है फूड, जहां पे देखिए यहीं पर सलाइवा मिक्स हो जाता है, यहां पर जूस मिलते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस मिलते हैं, और फूड को यहाँ पर, फूड जो कॉम्प्लेक्स फूड था, जो बड़ा बड़ा फूड था, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, यानी कि वो सिंपल फूड में टूट जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। सेकंड स्टेप, दैट इज डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, या इसको हम दूसरे वे में डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ और ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड और इनडिफ्यूजेबल फूड इनटू डिफ्यूजेबल फूड, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते पहुंचते होता क्या है कि फूड उस फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, इतने छोटे फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, कि जिससे क्या होगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, पतली पतली जो ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या करती हैं, इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में, वो प्रोसेस क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको पहुंचने के प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या होता है एब्जॉर्प्शन। अब फिर ये ब्लड जो होगा वो डाइजेस्टेड फूड को ले जा करके क्या करता है, जो हमारी बॉडी सेल्स होती हैं, बॉडी में बहुत सारे जो सेल हैं, उन डाइजेस्टेड फूड को पहुंचा देती हैं कहां पर, सेल के अंदर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसको एसिमिलेशन। इसके अलावा देखिए, जो फूड होता है टोटली डाइजेस्ट नहीं होता है, जो फूड जितना हम खाते हैं पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, उन कुछ फूड क्या होते हैं अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, कुछ पचते नहीं है, तो वो नेक्स्ट पार्ट यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो हमारे रेक्टम में लास्ट पार्ट जो होता है उसमें स्टोर होता है, फिर उसको क्या होता है बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो बॉडी से एज ए फीकल मैटर, है ना, फीकल मैटर के फॉर्म में क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन, इंजेशन और डाइजेशन में डिफरेंस है, टेकिंग इन द
that is taking in the food, that is called ingestion, while removal of the undigested food from the body, that is called इजेशन। तो यहाँ पे इसमें हम लोग देखें स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो देयर आर फाइव स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड लास्ट इजेशन। तो इस तरह से ये आज हम लोग कवर किए लिविंग और डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग लाइफ प्रोसेसेस, डिफिनीशन उसका देखें, इसके अलावा न्यूट्रिशन का डिफिनेशन, न्यूट्रिएंट का डिफिनेशन, और साथ साथ इसके ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो पढ़ें, उसके टाइप पढ़ें और स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। तो फिर हम लोग एक फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जल्दी ही।